आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री निवास भोपाल में आयोजित क्षमावाणी महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन कर किया। इस अवसर पर सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य कश्यप व सांसद श्री विष्णुदत्त शर्मा एवं अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित हुए क्षमावाणी पर्व कार्यक्रम में प्रमुख घोषणाएं की। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सागर में खुलने वाले मेडिकल कॉलेज का नाम आचार्य श्री विद्या सागर जी के नाम पर रखा जाएगा। जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुनिगण, आचार्यगण या साधु संत जब भी विहार के दौरान नगरीय निकाय या पंचायत क्षेत्र से गुजरेंगे तो शासकीय भवन की आवश्यकता होने पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को निवास से समत्व भवन में भोपाल जिले के विकास कार्यों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कैबिनेट मंत्री श्री चैतन्य कश्यप, श्री विश्वास सारंग, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती कृष्णा गौर सहित अन्य गणमान्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भोपाल के विकास को लेकर हुई बैठक में विस्तृत चर्चा की और भोपाल को आदर्श राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 तक अमृतकाल के लिए जो विजन स्पष्ट किया है उसके अनुरूप भोपाल को भी आसपास के जिलों के साथ जोड़ते हुए मेट्रो सिटी के रूप में विकसित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को निवास स्थित समत्व भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ग्वालियर में आयोजित आरोग्य भारती के अखिल भारतीय सम्मेलन में सहभागिता की। मुख्यमंत्री जी ने सम्मेलन में आरोग्य फलदायकम स्मारिका, आरोग्य संपदा के भारतीय स्वास्थ्य चिंतन विशेषांक, आरोग्य भारती डायरी व कैलेंडर का वर्चुअली विमोचन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश में केरल के समान प्राकृतिक तथा अन्य वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों पर मेडिकल टूरिज्म को विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाई जा रही है। इससे रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। प्रदेश की स्वास्थ्य संस्थाओं में 46,451 नए पदों को स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही 800 आयुष आरोग्य मंदिरों का संचालन भी आरंभ हुआ है।